इंडिया वीएस न्यूजीलैंड वेमेन तीसरा वनडे हारने के बावजूद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने रचा इतिहास। न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम ने शुक्रवार को भारत को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। 3 मैचों की यह सीरीज 2-1 से भारत के नाम रही। मेजबान टीम की एना पेटरसन को प्लेयर ऑफ द मैच जबकि भारत की स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। सेडन पार्क मैदान पर खेले गए तीसरे मुकाबले में मेहमान टीम ने न्यूजीलैंड को 150 रनों का लक्ष्य दिया जिसे उसने 29.2 ओवर में 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत हालांकि खराब रही और उसका पहला विकेट 22 रनों के कुल योग पर ही गिर गया। लॉरेन डाउन 10 रन के निजी स्कोर पर रन आउट हुई। इसके बाद सलामी बल्लेबाज सूजी बेट्स 57 और कप्तान एमी स्टाथवेटे नाबाद 66 के बीच 84 रनों की अहम साझेदारी हुई। बेट्स को आउट करके पूनम यादव ने इस साझेदारी को तोड़ा लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने आई सोफी डेविने ने कप्तान के साथ मिलकर अपनी टीम को जीत दिला दी। इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 149 रनों पर ही ढेर हो गई। पेटरसन ने 4 विकेट अपने नाम किए तो वहीं ताहूहू ने 3 विकेट झटके। मेहमान टीम ने भारत के शुरुआती 3 विकेट 39 रनों पर गिरा दिए। स्मृति मंधाना 1, जेमिया रोड्रिगेज 12 और कप्तान मिताली राज 9 पवेलियन लौट गई। यहां से टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दीप्ति शर्मा 52 और हरमनप्रीत कौर 24 ने टीम को संभाला और स्कोर 87 तक पहुंचाया। यहां हरमनप्रीत आउट होगी, उन्हें पीटरसन ने बोल्ड किया। डायलान हिमलता 13 ने दीप्ति का अच्छा साथ दिया और 5वें विकेट के लिए 30 रन जोड़े। यह साझेदारी इससे आगे नहीं जा पाई। 117 के कुल स्कोर पर हिमलता और फिर तानिया भाटिया 0 पवेलियन लौट गई। दीप्ति भी 127 के कुल स्कोर पर आउट हो गई थी। उन्होंने अपनी पारी में 90 गेंदों का सामना किया और 4 चौके मारे। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज भारत को संभाल नहीं सकी और टीम महज 149 रनों पर सिमट गई। झूलन गोस्वामी 12 रन बनाकर नाबाद लौटी।